बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स। यूसी लर्निंग ट्यूब की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की पाकिस्तान स्टडी लेक्चरर टेस्ट के साथ, और ये टेस्ट 21 मार्च 2021 को हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके वो हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, टेस्ट की जानिब टेस्ट शुरू करते हैं। पाकिस्तान स्टडी लेक्चरर टेस्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द फंक्शन ऑफ नेक्टा इज टू एलिमिनेट टेररिज्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्टीशन द स्टोरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947 इज रिटन बाई बी डब्ल्यू स्पूनर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द शाहबानो कंट्रोवर्सरी वाज, तो वीवर्स शाहबानो कंट्रोवर्सरी ये एक किताब है, अ बुक प्रेजेंटेड वैल्यूबल रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिक केस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर द आर्टिकल 184 आर्टिकल के मुताबिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट शल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन एनी टू और मोर गवर्नमेंट्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आर्टिकल 184। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टाइल्स ऑफ साइटेशन इन रिसर्च। साइटेशन व्यूअर्स इतला को या सुमन को कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो सेड हेड मोहम्मद अली जिन्ना डाइट अर्लियर देयर वुड नॉट हैव बीन पाकिस्तान, तो व्यूअर्स ये माइकल ब्रीचर ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो वाज द फाउंडर ऑफ पराइजी मोमेंट, तो दोस्तों पराइजी तहरीक के बानी हाजी शरीयतुल्लाह थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक फिका, इजमा है व्यूअर्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द वर्ड मोर सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ वर्ड एवरेस्ट। एवरेस्ट व्यूअर्स लालच को कहा जाता है, यहाँ पर ग्रीड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन सी ओ सी स्टैंड पार नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द इशू ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बम्बई रिमेन डॉर्मेंट अंटिल द अराइवल ऑफ मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एवोल्यूशन ऑफ जागीरदार इन एक्सप्लेनेशन इज रिटन बाय एवोल्यूशन। एवोल्यूशन व्यूअर्स बर्खास्त की या मनसूखी को कहा जाता है, ये एक्सप्लेनेशन किसने लिखा था, अली मोहम्मद रशीदी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाकिस्तान फेसेस चैलेंजेस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस इन इट्स फ्रेंडली रिलेशंस विद चाइना मेनली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यूएस एंटी चाइना बिलिजरेंस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ वर्ड कोजेंट। कोजेंट व्यूअर्स मजबूत कवी या पुख्ता को कहा जाता है, इसका अपोजिट वर्ड अनपरसुवेसिव है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अनपरसुवेसिव के मानी गैर दिलकश के है। क्वेश्चन नंबर 15 है, IMF gave 1 year relief to Pakistan and US $1.386 billion were gave under the rapid financing instrument, ऑप्शन नंबर बी लगेगा यहाँ पर, to address the economic effects of COVID-19, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, who described in मुसद्दस द राइज ऑफ एंड पॉल ऑफ इस्लाम इज अ पोलिटिकल एंड कल्चरल फोर्स इन द वर्ल्ड, अल्ताफ हुसैन हाली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है,
The coin rupiah was first issued by Sher Shah Suri. Option number A ठीक है. Question number 18 है. As early as 1913, Muslim League formally adopted the following objective of the Congress. तो यहाँ पर option number C correct है. Self government for India within the empire. Question number 19 है. Which of the following surah is called Ummul Kitab? तो दोस्तों सूरतुल फातिहा को उम्मुल किताब कहा जाता है. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 20 है. डैश यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट वेलकम्ड इंडिया पाकिस्तान रीसेंट एग्रीमेंट टू ऑब्जर्विंग द सीज फायर लाइन एट एलओसी. तो व्यूअर्स उस यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट का नाम वोल्कान बोस्किर था. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 21 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पावर एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल. तो व्यूअर्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. हियरिंग द केसेस ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ जजेस. क्वेश्चन नंबर 22 है. द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज पास्ड ऑन 12 मार्च 1949. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 23 है. Which of the following in Pakistan is supreme policy making body in the economic sphere? तो viewers इस supreme policy making body का नाम NEC है. Option number A correct है. Question number 24 है. According to the article dash of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, Islam shall be the state religion of Pakistan. तो viewers ये जिक्र आर्टिकल दो में किया गया है. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 25 है. द बॉडी ऑफ लॉ विच डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंट एंटिटीज विद इन अ स्टेट नेमली द लेजिस्लेटर द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी इज कॉल्ड टू व्यूअर्स उसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहा जाता है. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 26 है. The strongholds of Arya Samaj were mainly in the western and northern India. Option number C correct hai. Question number 27 hai. Which of the following was the court language of Mughals? To viewers, Mughals ki court language Parsi zuban thi, Persian. Option number B correct hai. Question number 28 है. The first movement launched against the British in India was Swadeshi movement. Option number B ठीक है. Question number 29 है. Choose the word more similar in the meaning of word slush. Slush viewers मिट्टी या चकनाई को कहा जाता है. यहाँ पर slush का synonym word shine. Option number B correct है. Question number 30 है. UNHCR in Pakistan works for rehabilitation of refugee. Option number C correct hai. Question number 31 hai. Which system was adopted in the constitution of 1956? To yaha par option number B unicameral. Unicameral ka matlab hai jo ek qanun saz assembly par mushtamil ho. Option number B correct hai. Question number 32 है. The author of Danger in Kashmir is J. Corbell. Option number B correct है. Question number 33 है. Gazetteer of West Pakistan, the promise of Sindh including Kherpur state is the work of H.T. Sorley. Option number B correct है. Question number 34 है. In order to benefit from the port at Karachi, Barley Prairie initiated a railway line scheme aimed at linking Karachi with Kotri. Option number D correct है. Question number 35 है. ERIC ERIC is a तो viewers ERIC एक database in education है. Option number C correct है. Question number 36 है. Pakistan has a single court system. Option number A ठीक है. क्वेश्चन नंबर 37 है. वो वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली. व्यूअर्स दिल्ली की पहली और आखिरी वुमेन रूलर रजिया सुल्ताना थी. ऑप्शन नंबर बी ठीक है. क्वेश्चन नंबर 38 है. सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 डील्ड विद द पावर ऑफ गवर्नर जनरल. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है.
क्वेश्चन नंबर 39 है, द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान इज बिश्केक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एफ ए टी एफ हैज़ केप्ट पाकिस्तान ऑन द ग्रे लिस्ट अंटिल जून डिस्पाइट द कंट्री हैज़ कंप्लाइड विथ 24 आउट ऑफ 27 एक्शंस सजेस्टेड बाय द एफ ए टी एफ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सी सी आई स्टैंड फॉर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, तो व्यूअर्स ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टैक्स रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज पर्सनल इनकम टैक्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान फॉरन पॉलिसी, तो यहाँ पर डिपेंडिंग आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स एंड अचीविंग नेशनल इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 है, वो डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ ब्यूटिफुल ब्राइड हूज टू आइज वर मुस्लिम्स एंड हिंदूस, तो दोस्तों ये सर सैद अहमद ख़ान ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ वर्ड सिगेशियस, सिगेशियस व्यूअर जहीन या अकलमंद को कहा जाता है, इसका अपोजिट वर्ड पेचुअस बनेगा, पेचुअस बेवकूफ़ को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, वो इस करंट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, तो व्यूअर्स गिलगित बल्तिस्तान का मौजूदा मुंतखब शुदा चीफ मिनिस्टर बैरिस्टर खालिद खुर्शीद है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, चूज़ द एनालॉजी ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर व्यूअर्स दस्तखत को कहा जाता है, एलुस्ट्रेशन, एलुस्ट्रेशन खाका या तस्वीर को कहा जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट एनालॉजी हमारे पास बाय लाइन और कॉलम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हमारे पास व्यूअर्स पाकिस्तान स्टडी लेक्चरर टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, द अथर ऑफ इंट्रोडक्शन टू सिंध इट्स वेल्थ एंड वेलफेयर इज एमबी पितावाला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो व्यूअर्स ये रहा पाकिस्तान स्टडी लेक्चरर टेस्ट का ओरिजिनल पेपर, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए, और इसके साथ साथ जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारी चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।